नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी की बोरी में सड़ी गली हुई लाश मिली है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के खिलाड़ी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका ने ही की है। ये कहानी पूरी फिल्मी है। हत्या के बाद प्रशांत सिन्हा की प्रेमिका काजल सिन्हा ने अपने प्रेमी के शव को बोरी में भरकर स्कूटी से ले जाकर हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र में पुल के नीचे डाल दिया। पुलिस की पूछताछ में काजल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। काजल ने बताया कि पैसे के लिए उसने प्रशांत से प्यार का ढोंग रचा था, लेकिन प्रशांत काजल से सच्चा प्यार करने लगा था। काजल उसे छोड़ना चाह रही थी, पर प्रशांत काजल को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं होने देना चाह रहा था। अलग होने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इधर काजल रौनक नाम के एक युवक से प्रेम करती थी। रौनक के साथ मिलकर ही उसने प्रशांत को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 11 मार्च को जमशेदपुर से प्रशांत को हजारीबाग बुलाया। अगले दिन देवघर जाने की बात कह रात को अपने प्रेमी रौनक के खटाल में रुकवाया और रात को ही रौनक के साथ मिलकर गला दबाकर प्रशांत की हत्या कर दी। शव को बोरी में पैक किया और स्कूटी से ले जाकर डैम के नीचे फेंक दी। उधर प्रशांत के घर वाले 13 मार्च को प्रशांत की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। 22 मार्च को काजल सिन्हा पर नामजद अपहरण का FIR दर्ज करवाया और अब जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो प्रेमिका काजल की गिरफ्तारी के बाद सड़े गले अवस्था में प्रशांत का शव पुलिस ने बरामद किया है। हत्या में शामिल प्रशांत की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं शव को अंत परीक्षण के लिए भेजा गया है।